करते हैं। राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस थर्ड और आखिरी ब्लेसिंग क्लास के अंदर जो कि हमने एस्ट्रोलॉजी पे रखी है। राधे 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 राधे। कौन से तारीख से? राधे 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 जी, राधे 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 राधे। देखिए, चलो आपने पूछा ही है तो मैं बता ही देता हूँ। हमारी जो क्लासेस आ रही हैं वो सारी की सारी आपकी 13 तारीख को आ रही हैं। 13 तारीख को हमारी एक क्लास आ रही है जो कि इवनिंग का बैच है, 9:10 का ये बैच रहेगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये एक प्रोफेशनल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होने वाली है। इस क्लास का कंटेंट हमने शनिवार को सारा शेयर किया था और कल भी हमने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है। आपके जिस भी आज आपका जो लिंक आया है उसके नीचे जो ग्रुप है उसमें तीनों के तीनों कंटेंट अभी के अभी आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो आज के लिंक के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में है, बहुत सारे लोग उसमें हैं, अगर आप नहीं है उसमें तो आप प्लीज उस लिंक को क्लिक कर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या सिखाया जाएगा 6 दिन के अंदर, मुहूर्त शास्त्र में क्या सिखाया जाएगा और नक्षत्र नाड़ी में क्या सिखाया जाएगा, सबकी चर्चा हम करेंगे। आज रात को 12 बजे के बाद से जो भी ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने भी हमारी किसी भी क्लास में किसी भी टीचर की कोई भी क्लास कभी भी की हुई होगी तो उनके लिए सबके लिए एनर्जी एक्सचेंज 3540 रहेगा टिल द जब तक क्लास होगी, कभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रात को 12 बजे से पहले अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एनर्जी एक्सचेंज 3540 रहेगा। इसके अलावा मौरस शास्त्र का 1770 रहेगा और नक्षत्र नाड़ी का आपका 3540 रहेगा अगर आप 12 बजे से पहले करते हैं। लेकिन अगर नक्षत्र नाड़ी की क्लास आप किसी और क्लास यानी कि मेडिकल या फिर मौरस शास्त्र के साथ लेते हैं तो भी 1770 रहेगा। ये ऑफर सिर्फ रात को 12 बजे तक ही वैलिड है। आपको कॉल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट करना है, आपका नाम लिखना है, कंफर्मेशन कल सुबह 12 बजे के बाद आपके पास आ जाएगी। क्योंकि अभी मैं कुछ ट्रैवलिंग करने वाला हूं तो मैं आपके मैसेजेस नहीं ले पाऊंगा या कंफर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। आपको पेमेंट जो आप करोगे उसका स्क्रीनशॉट, उसकी जो टाइमिंग होगी वो रात को 11:49 यानी कि 12 बजे से पहले पहले की होगी। तो नक्षत्र नाड़ी अगर आप केवल सिंगल करना चाहते हैं तो 3540 और अगर लास्ट तक करना चाहते हैं तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो 3540, अगर आप फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं तो 4100। सबकी क्लास की फीस, तीनों ही क्लासों की फीस 4100 है। जो भी करना चाहते हैं 4100 में कर सकते हैं और ओल्ड स्टूडेंट के लिए तीनों की तीनों क्लासें 3540 है। लेकिन अगर रात तक करना चाहते हैं तो बाकी दो क्लासेस 1770 की हैं और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो 3540 की ही है। लेकिन ये 3540 की ये भी 4100 हो जाएगी रात को 12 बजे के बाद। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कॉल कर आप पूछ सकते हैं। 6 दिन की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, इसके अलावा मौरस शास्त्र जो क्लास है वो भी 6 दिन की है। इसका जो बेस्ट टाइमिंग रहेगा वो आफ्टरनून का रहेगा 12:11 का। 13 तारीख से तीनों की तीनों चलेंगी, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 8 महीने तक जो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। सबका स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में आ जाएगा, व्हाट्सएप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। सर्टिफिकेशन, ई सर्टिफिकेशन रहता है कंप्लीशन का जो कि आपके पास लाइफ टाइम के लिए आ जाता है। 1.5 से 2 घंटे चलती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, जूम पे रहती हैं और जो लास्ट क्लास आज जिसके टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये क्लास नक्षत्र नाड़ी, ये भी बहुत अमेजिंग कोर्स है। सबका कंटेंट मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो 5:30 का है। तो तीनों ही क्लासे अमेजिंग है, जिस जिसको जिस जिस टाइम पे ज्वाइन करना है उस टाइम पे ज्वाइन कर सकता है और जो तीनों क्लासों में ज्वाइन करने हैं उनके लिए तो स्वागत है। तीनों क्लासों को ज्वाइन करने वाले को 7,080 रुपए की ये पड़ेंगी तीनों ही, 3540, 1770, 1770 जो कि आज रात को 12 बजे तक होगा। इसीलिए मैंने आपको सबको पहले ही बता दिया है ताकि आप बाद में ऐसा ना कहें कि अब इसकी फीस 4100 क्यों हो गई या सबकी 3540 आपने क्यों कर दी। ओल्ड स्टूडेंट के लिए रात को 12 बजे के बाद तीनों ही क्लासे 3540 की है और न्यू जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन सबके लिए 4100। पेमेंट डिटेल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पेमेंट आपको कहां पे करना है। अगर किसी के पास हमारी पेमेंट डिटेल नहीं है जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और
ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये पेमेंट डिटेल है। किसी भी क्लास स्टार साइन पे जो भी क्लास होती है उसका पेमेंट इसी पे जाता है 9675176666, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके सामने डिटेल है। बस पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो आपको मेरे नंबर पे शेयर करना रहता है। मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए 7666559566, 7666559566। जो लोग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक ब्लेसिंग क्लास में, हर एक वेबिनार में कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिया जाए जो आपके लिए लाभदायक हो। जो भी तीनों क्लासे हुई हैं, पिछली दो क्लासों को हमने ऐप पे लगाया है, वहां पर आपको हमने बैच कोड दिया है। आज के बाद रात को 12 बजे यानी कल मैं सुबह 12 बजे इन तीनों को ऑन एयर कर दूंगा ताकि लोग अब जो ज्वाइन करेंगे वो 4100 या 3540 में ज्वाइन। केवल वेबिनार में आने वालों के लिए ही ऑफर होता है, तो जितने भी वेबिनार आते हैं आपके पास लिंक आता है सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ ले सकते हैं। जब वो ऑफर हट जाएगा उसके बाद हम इसको यूट्यूब पे लगा देंगे, फिर आप उसका लाभ वहां से देख सकते हो। तो जब तक ऑफर का लाभ लेना है तो आपको लाइव ही ये ज्वाइन करना रहेगा। तो अब मैं इसको इस वाली को भी कल सुबह 12 बजे लगाऊंगा जब ऑफर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ आप सब लोगों का फायदा इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप इतना जो कीमती समय देकर आते हैं वेबिनार में बैठते हैं उन सबके लिए ये ऑफर है। मैडम ओवर टू यू, आप प्लीज बताएं आज का टॉपिक हमने क्यों रखा है, इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या ब्लेसिंग है, हम क्यों सीखें इसको। एक ब्लेसिंग आप भूल भी गए हो। हाँ, जो भी ये तीनों क्लासों में कोई भी क्लास ज्वाइन करता है चाहे वो ऑफर में चाहे बिना ऑफर में, उनको इस सावन के पवित्र महीनों में 1770 रुपए वर्थ की रुद्राक्ष की क्लास जो कि बहुत ही डिटेलिंग में है, जिसको हमने पहले भी 1770 रुपए में दो बार तीन बार हमने बैच उसके लिए भी है, वो रिकॉर्डेड रहेगी। वो आपको वेरी फर्स्ट डे ही रिकॉर्डेड आपके ऑन ऐप पे मिल जाएगी और आप उसका लाभ वहां पर ले सकते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैडम को पेड ग्रुप में कर सकते हैं। इवन आप एक क्लास ज्वाइन करते हैं, दो करते हैं, तीन करते हैं, तीनों में ही पहले वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी और जैसे जैसे ये क्लासेस चलेंगी इनकी रिकॉर्डिंग तो आपको पता ही है नेक्स्ट डे आ ही जाती है। तो ये भी ब्लेसिंग है आपकी 1770 रुपए की, तो आपको वैसे ही क्लास फ्री मिल रही है। तो अगर आप मुहूर्त शास्त्र कर रहे हैं रात को 12 बजे से पहले पहले तो आपको तो फ्री में पड़ रही है क्लास। अगर आप वो वाली क्लास कर रहे हैं हमारी नक्षत्र नाड़ी की किसी और क्लास के साथ तो भी ये क्लास फ्री पड़ रही है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको 3540 में दो दो क्लासें मिल रही हैं और अगर आप तीनों कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है। बहुत फायदा है आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और देखिए कि आपको कितना सारा बेनिफिट मिल रहा है। जी मैडम और कुछ नहीं, बस बस जी। स्वागत है मैडम आपका, सभी को राधे राधे और आप सबका इस वेबिनार में क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी यहाँ बता रहे हैं और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं कि माँ सरस्वती यहाँ पधारे और हमारी वाणी में विराजमान हो, जो भी ज्ञान दे उसमें उनकी वाणी का वास रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। और सभी गुरुओं को नमस्कार और आप सबको भी राधे राधे। कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं भक्त के बिना भक्ति नहीं है और भक्ति नहीं है तो शक्ति नहीं है और शक्ति नहीं है तो कुछ भी सिद्धि नहीं है। तो आप लोगों के बिना भी हम कुछ नहीं है, आप ही लोग एक्चुअली में हमारी पावर हो। तो आप सबको भी बहुत बहुत राधे राधे। आज हमारा जो विषय है हम विषय पे बात करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ दे पाए, कुछ समझा पाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं तो थोड़ा होता है उसके अंदर ट्रिगर, बट फिर भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नक्षत्र नाड़ी, ठीक है। काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते। मैडम ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो सिर्फ एक डाउट को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है क्या ये सारी क्लासेस वो कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकता है कि नहीं ला सकता। बस एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप जरूर दीजिए। जिसको नहीं आती ना उसको उसके लिए भी, क्योंकि जो जिसको ज्यादा आती है तो वो खोजता है और एस्ट्रोलॉजी की हर एक शाखा का, ठीक है।
हर एक शाखा का अपना एक अलग रहस्य होता है, हर चीज को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको भी कुछ कुछ यूज करना हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट मोड यूज करते हो ना, तो ऐसे जो लोग ज्यादा होते हैं रिसर्च करते हैं उनको तो समझ में आ ही जाता है, वो और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं या वो कहीं और से उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता ना, उसको भी ये बहुत अच्छे से समझ आता है, वो लोग और बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। दूसरी चीज एक और इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, ये प्रिडिक्टिव साइंस है, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये है क्या। तो जो भी और अदर मोडालिटीज से है समस्या है तो सब में ये एक है ना, चाहे वो रेकी वाला है या वो कोई भी मोडालिटी से आता है, तो आपके उसको चाहिए क्या सोल्यूशन चाहिए, तो आप एक छोटी सी डेट ऑफ बर्थ देख के आप फटाफट उसको बता सकते हो। और अगर इतना भी आप जान जाते हो कि प्लैनेट सेवन ही है, प्लैनेट सेवन से आठवां कोई प्लैनेट नहीं है, दो शैडो प्लैनेट है, उन प्लैनेट को जिसने पकड़ लिया वो बहुत अच्छे से कोई भी समस्या को हल कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है, बहुत आराम से रेमेडीज दे सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपको कुछ कुछ थोड़े थोड़े गोल्डन फंडास देने हैं आज, ठीक है। अलग अलग ब्रांच को हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं ताकि हमारी रिजल्ट आए। वैदिक जो है सबकी मदर है, उसी से निकली हुई बहुत सारी ब्रांचेज है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है नक्षत्र। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र को यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है प्रिडिक्टिव फोर्स। प्रिडिक्टिव कोर्स क्या बोला जाता है, प्रिडिक्शन के लिए इसे यूज किया जाता है, जिसमें आपको जैसे हम वैदिक करते हैं तो हम कहते हैं हमें प्रिडिक्शन करना नहीं आया, हमें ज्योतिष तो समझ आ गया लेकिन हमें प्रिडिक्शन नहीं आया, ये है प्रिडिक्शन शास्त्र, इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शन। इसमें हम प्लैनेट नक्षत्र और उसके उप नक्षत्र के थ्रू हम प्रिडिक्शन करते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेट और रेडीमेड फ्रेम्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो नक्षत्र नाड़ी, या अगर हम इसको दूसरे वर्ड में बोले प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, या आपने सुना होगा दो मिनट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन इन टू मिनट्स, आपने लोगों ने बहुत सुना होगा, वो सब यही चीजें हैं। तो उसमें क्या हो, वो नक्षत्र नाड़ी ही होती है जिसमें आप 2 से 5 मिनट में किसी को भी देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसके फ्रेम को देख के वो कैसे बनता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इसमें हम इवेंट कैलकुलेट करते हैं प्रिडिक्टिव मेथड के थ्रू, ये एक ऐसा शॉटगन मेथड है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना ये आपका प्रॉमिस आपकी लाइफ में है या नहीं है, और है तो किस टाइम है, तो ये आपके प्रॉमिस के बारे में बताता है। प्रॉमिस मतलब मेरी लाइफ में मुझे क्या मिलना है। बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, अब आप देखते होंगे कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि शादी के लिए कोई पैरामीटर हो, मेरी लाइफ में मेरी ग्रोथ कब होगी, बेबी कब हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट सो ऑन चीजें। तो इस जो किसी भी ओकल साइंसेस की ब्रांच को नहीं जानता वो भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक हम प्रिडिक्शन ठीक नहीं करते तो हम सोल्यूशन भी नहीं कर सकते, हमें यही नहीं पता हमें किसका सोल्यूशन करना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, यहाँ तक कि जुपिटर भी आपको मृत्यु दे देता है, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जुपिटर कैंसर का एक बहुत बड़ा पार्ट भी बनता है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर क्या है, एक बिग, अगर वो ज्ञान में बिग दे रहा है, वो एजुकेशन में बिग दे रहा है, तो वो हेल्थ में भी बिग देता है, वो प्लस में भी बिग देता है, वो माइनस में भी बिग देता है, ठीक है। इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो नक्षत्र नाड़ी इज वॉट इज द पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट होता है, बेस्ड ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट नक्षत्र एंड उप नक्षत्र। तीन चीजें इसमें यूज होती हैं, आपका प्लैनेट नक्षत्र एंड उप नक्षत्र, ठीक है। इसके रूल्स फिक्स हैं, मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगी, मैं आपको बोर्ड पे लिख के भी दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें एक रूल है कि जब भी हमें कोई भी इवेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई भी इवेंट हमें कैलकुलेट करना है हमारी लाइफ में ये है या नहीं है, जो बहुत आसानी से एक आपको सॉफ्टवेयर हैंडी सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाता है, अभी हम शेयर करेंगे उसको भी, कि हर हाउस से रिलेटेड, जैसे हमारे होरोस्कोप में कितने हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। पहला हाउस हमारा किस चीज का होता है, हमारा जो पहला हाउस है लगन हो गया, मैरिज हो गई, सेकेंड हाउस हमारा वेल्थ हो गया, हमारे ब्रदर्स हो गए, वो जो 12 हाउसेज हैं। अब आपके पास कोई भी पर्सन आता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन के लिए जरूर आएगा। मान लो मेरे पास प्रवीण जी आए, प्रवीण जोशी सर आए, और उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे पास मैडम मेरा प्रमोशन कब होगा, तो आपको क्वेश्चन देखना है कि वो सर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं,
योर क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड, योर क्वेश्चन शुड बी कंफर्म्ड, क्योंकि हाउस कितने हैं, 12 ही है ना, और क्वेश्चन कितने हैं, एक हाउस हमारे को कितनी चीजें बताता है, एक हाउस हमें 10 से 12 चीजें बताता है। अगर सेकंड हाउस हमारा वेल्थ बताता है तो सेकंड हाउस हमारी फैमिली भी बताता है, सेकंड हाउस हमारा खाना पीना भी बताता है। तो वी फोकस ऑन क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन होता है उस हाउस को हम मॉनिटर करते हैं। अभी हम एग्जांपल भी लेंगे और डिस्कस भी करेंगे। और उससे जो 12वां हाउस होता है उस हाउस से 12वां हाउस उसके बेनिफिट को कम करता है। मैं आपको लिख के भी बताऊंगी, गोल्डन रूल्स भी लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, 12वां हाउस किसी भी हाउस के रिजल्ट्स को कम करता है, ठीक है, और सेकंड हाउस उससे रिजल्ट को बढ़ाता है। अभी आप इतना ही समझो, अभी मैं आपको वैसे बताऊंगी, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। प्लैनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, नक्षत्र, और जब उसको नक्षत्र से ज्यादा आगे किसको एनर्जी दी, किसको माना जाता है, सब लॉर्ड को, ठीक है। तीन चीजें होती है, महादशा, नक्षत्र, प्लैनेट एंड आपका जो है सब लॉर्ड। तो इसमें प्लैनेट से इंपॉर्टेंट क्या है, आपका नक्षत्र, नक्षत्र के बाद आपका इवेंट होगा या नहीं होगा उसमें सब लॉर्ड को देखा जाता है। हमारी तीन दशाएं चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। इसमें प्रोमिसेस को किसको माना जाता है, महादशा को, और अंतरदशा को उससे कम वैल्यू दी जाती है, प्रत्यंतर को उसके बाद दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि अगर हमें महादशा में कोई प्रोमिस नहीं मिल रहा तो हमें अंतरदशा क्या हमारी जिंदगी में काम होगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जब उस महादशा की प्लेनेट की दशा अंतरदशा में आएगी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपके रिपीटेड नंबर्स आते हैं आपके फ्रेम में, उतने ही आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। इस यहाँ पर नक्षत्रा नाड़ी में एक टीम काम करती है, आपके इवेंट के लिए एक टीम काम करती है। कौन कौन काम करता है, प्लैनेट, नक्षत्रा एंड स्टार लॉर्ड। अब उसमें जो भी हाउस का रिपीटेड नंबर आएगा उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा, 9-11, 9-11, 2-3-9। अब यहाँ पर 9 आप देखोगे यहाँ भी आ रहा है, इस रो में भी आ रहा है, इस रो में भी आ रहा है, तो 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, और 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो यहाँ पर ये इवेंट होगा जो 9 से रिलेटेड है, वो क्या इवेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम इन्हें देखते कैसे हैं, और मैं आपको बोर्ड पे भी बताऊंगी, जैसे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सब लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने उसमें डालनी आती होगी, देखो जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हो, प्लेस डालते हो, एक जो आपका इस तरह का जो अभी आपको कुछ नहीं जानना क्योंकि डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको जब आप इस सबको खोलने आ गई होगी हॉरोस्कोप, जब आप यहाँ से डालते हो, ये आपने पूरा डाल लिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा डाल लो गया, आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। ये हमारे 12 हाउसेज हैं, इसको देखो आप, ये 12 हाउसेज हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। इनमें राशि अलग अलग है लेकिन हाउस सेम है, तो जो नंबर की राशि लिखी है उसकी लोड वो होगा लेकिन हाउस यही है। अब हम उस राशि पे भी बात नहीं करेंगे, अभी हाउस पे भी बात नहीं करेंगे, ये 12th हाउस है। जब आप यहाँ से आगे जाओगे, नम्बांशा, क्लाउड, इसके आगे जाओगे तो आपको प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स मिलेंगे, जो कि मैंने आपको देखो ये वाले प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स आ गए,
ये आप लोग सब ध्यान रखना, अभी हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स आ जाएंगे सारे के साथ। ऐसे हमारे प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस आएंगे और नक्षत्र नाड़ी ऐसे ही हम करेंगे। अब मैं आपको सिखाती हूँ बोर्ड पे। आज हम बात करेंगे कि किसी की लाइफ में कितना पैसा है, क्या वो बिजनेस करे, नौकरी करे या क्या करे, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम नक्षत्र नाड़ी करते हैं, नक्षत्र नाड़ी के अंदर जैसे गोल्डन रूल्स है, जैसे कि ये हमारे 12th हाउसेस है, ये मैं कोई भी नंबर डाल रही हूँ, सिर्फ 12th हाउसेस ले रहे हैं। तो नक्षत्र नाड़ी का हमारा रूल क्या है, गोल्डन रूल है, ये काम करती है, प्रिडिक्टिव साइंस है, ये प्रिडिक्शन के लिए हम यूज करते हैं कि हमारा प्रॉमिस है या नहीं है, किसी भी चीज के लिए हमारा प्रॉमिस है और वो किस टाइम पे पूरा होगा। तो इसको देखते कैसे हैं, पहले रूल्स है, इसमें तीन चीजें हमारे पास रहती है, प्लैनेट, नक्षत्र और सब नक्षत्र। अब इसका रूल क्या कहता है कि जो प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नक्षत्र, और नक्षत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब नक्षत्र। अगर ये दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये स्टैंप लगा देगा कि आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताती हूँ। और हर हाउस से 12th हाउस, हाउस से 12th हाउस किसी भी चीज को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और सेकंड हाउस इंक्रीज कर देता है, प्लस कर देता है। कैसे कैसे करता भी बताएंगे। और महादशा यानी एमडी, एमडी सबसे ज्यादा पावरफुल, उसके बाद अंतरदशा और उसके बाद प्रत्यंतर दशा, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये हमारे गोल्डन रूल्स हैं इसके। अब मान लो, और कैसे हमारा प्रॉमिस होगा वो भी बताएंगे। आप लोगों को समझ आ रहा है, जिस जिसको समझ आ रहा है थम कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा व्हाट आई वांट टू डिलीवर हो रहा है। जिस जिसको समझ नहीं आ रहा वो भी कर दो। चलो आई ट्राई, आई ट्राई, क्योंकि अब हम इसमें कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना, क्योंकि जब आप क्लास में आओगे तो फिर आपको पूरा ही समझ आ जाएगा। अब मान लो, ठीक है, अब इसके अंदर किसी ने हमसे पूछा, हमने मनी के लिए, मेरे पास जीवन में मनी कितनी रहेगी, पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा कि मनी रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे पास कितना मेरा मनी लाइफ में रहेगा, ठीक है। तो अब ओवरऑल वेल्थ के लिए, मनी के लिए हम देखते हैं या वेल्थ के लिए देखते हैं, या हमारी लाइफ में पोजीशन कैसी रहेगी मनी के लिए, वो हम कैसे देखते हैं। अभी इतना
थोड़ा समझो, मैं दोबारा भी समझा दूंगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवरऑल मनी के लिए हम देखते हैं 10th हाउस मनी पोजीशन या मॉनेटरी पोजीशन के लिए 10th हाउस हमारा, या 10th हाउस क्या होता है हमारा प्रोफेशन, और 11th हाउस क्या होता है हमारा गेन। जरूरी नहीं होता कि किसी के पास पैसा कमा के ही हो, प्रोफेशन वो होता है जिसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर हमारे पास, अगर हमारी उसके अंदर हमारी टीम के अंदर 10 नंबर ज्यादा आएंगे तो हमारे पास प्रोफेशन से पैसा आएगा, और अगर हमारे पास 10 और 11 आएंगे दोनों तो हमारे पास प्रोफेशन से भी आएगा और हमें गेन भी होगा। अगर हमारे पास 11 नंबर ज्यादा है, 11 नंबर ज्यादा है, तो हमारे पास लाइफ में पैसा रहेगा ही रहेगा चाहे कोई भी दे, ठीक है। और एक इंसान को अपनी लाइफ में अगर उसका 3 नंबर रिपीट हो रहा है, 3 बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, 3 times, तो नॉर्मल मनी रहेगी, ठीक है, नॉर्मल मनी रहेगी। 6 बार रिपीट होगा कोई नंबर इनमें से या दोनों मिला के भी, तो वो 1 lakh तक कमा, लाख लखपति तक बन सकता है, और 9 times बन होगा तो करोड़पति तक बन सकता है। लोग पूछते हैं ना करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का, 11th हाउस हमारा गेन का। अब कभी कभी आपको कोई पूछता है, चलो पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। अब जैसे अगर हम इसमें काउंट करें पूरे में, ये हमारी पूरी लाइफ का ही है ना, ये सबका अलग अलग आएगा। अगर मैं इसमें काउंट करूं कौन किसको करूं अनम्यूट, SLR एक्सपर्ट जी आप करो अपने आपको अनम्यूट, अनम्यूट करो सर, आपको अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे अनम्यूट। ओके अच्छा हाँ बोलिए मैम। अब इसमें मुझे ये बताओ, हम टोटल ये हमारा ये प्लेनेट है, ठीक है, आपके पे वॉइस ज्यादा हाँ आ रही है, आ रही है, नहीं आपके यहाँ से कोई शोर, आपके यहाँ से शोर आ रहा है, मैं किसी और को ले लूंगी। हाँ आ रही है मैम वॉइस। देखो ये प्लेनेट होता है, ये स्टार लोड होता है, ये सब लोड होता है, ठीक है। ओके तो भी जिसकी भी दशा चल रही होती है, एक प्लेनेट पूरी टीम को गवर्न कर रहा होता है। अब हमने बोला कि अगर 10 ज्यादा आएगा या 11 ज्यादा आएगा, अब मान लो हम पूरी टीम को, पूरी टीम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में पैसा कितना रहेगा, तो अगर हम यहाँ से 10 काउंट करते हैं कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 टाइम 10 आ गया। यस और अगर मैं 11 देखती हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3 और कोई है आपको, नहीं है ना, 4 है, ठीक है, 11 11 आया 4 टाइम और 10 आया आपका कितनी बार आया, 11 टाइम। अभी जितना मैंने आपको बताया है उससे आपको क्या लगता है इसकी लाइफ में पैसा कैसा रहेगा, प्रोफेशन से आएगा, प्रोफेशन कैसा रहेगा इसकी लाइफ में, प्रोफेशन ज्यादा है एंड गेन इज लेस। हाँ प्रोफेशन अच्छा है तो इसका मतलब इसकी लाइफ में प्रोफेशन रहेगा। Yes. अच्छा प्रोफेशन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि वो 10 टाइम्स आया। ओके ठीक है, तो किसी की लाइफ में अपने अपने आप लोग देखना, जब अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे, किसी की डालोगे या किसी का, हम एक एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, तो ये हमारी किसी की भी लाइफ में ओवरऑल मनी का कंडीशन कैसा रहेगा, कि हमारा कैसे आएगा, कि हम अपनी लाइफ में कितना कर पाएंगे या हम
करोड़पति बन पाएंगे, अरबपति बन पाएंगे या कितना रहेगा, ये एक चीज है, ये लाइफ लॉन्ग का है। अभी मान लो कोई पर्सन मेरे पास आता है और पूछता है कि मैं जॉब करूं, मेरे पास कैसा पैसे का कंडीशन रहेगा, तो अब हमने ओवरऑल किसी भी इंसान को बताना है कि हमारा कैसा रहेगा मनी का कंडीशन, कितनी देर लगी आपको प्रिडिक्ट करने में, 1 सेकंड किसी को हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा अगर हम टोटल वेल्थ का हाउस देखते हैं, सेकंड हाउस होता है हमारा वेल्थ का। लोग पूछते हैं ना मैं जॉब करूं कि 6th हाउस हम देखते हैं जॉब का, 7th हाउस देखते हैं बिजनेस का, और 9th हाउस हम देखते हैं, 9th हाउस को यहाँ नहीं लेंगे हम, 10th हम देखते हैं प्रोफेशन का और 11th हम लेते हैं गेम्स का, ठीक है। जिसके जिसके जो हाउसेज ज्यादा होंगे, मान लो किसी के नंबर ऑफ 2 की रिपीटेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ 2 की रिपीटेशन ज्यादा है, ठीक है, उसके पास बैंक बैलेंस बहुत रहेगा, बैंक बैलेंस, किसी का उसमें 6 नंबर ज्यादा आ रहा है, 6 ज्यादा रह रहा है, मोर देन 7 नहीं कर सकता बिजनेस, जॉब करेगा, ठीक है, 7 ज्यादा आ रहा है तो करेगा वो बिजनेस या अपना काम या पार्टनरशिप में कर सकता है। अब हम इसको मान लो कोई आपको कहता है कि जॉब नहीं लग रही, ठीक है, जॉब नहीं लग रही मेरी, कब लगेगी, आपने किसी का देखा महादशा चल रही है सन की, अंतरदशा चल रही है मून की और प्रत्यंतर चल रही है आपकी विनस, ठीक है, ठीक है, ये सबको समझ आया, ये सबको समझ आया, मान लो हमारी ये चल रही है तो फिर हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, मान लो यही है हमारी सन की चल रही है, यहाँ पर आप सन को उठाओ पहले, सन के देखो सारे, ठीक है, सन के अपने उठा लिए, सन में क्या आ रहा है हमारा, 7, 7, 1, 10, 12, राइट, 7, 7, 1, 10, 12, ओके, सन का जिसकी हमारी महादशा चल रही है उसका हमारा सब लॉर्ड क्या है, वो भी सन है, और स्टार लॉर्ड जो है सनी है और सब लॉर्ड जो है उसका राहु है, तो यहाँ पर आपका प्लेनेट भी दे रहा है और नक्षत्र भी दे रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पर आपका ये नहीं दे रहा, तो क्या ये इवेंट होगा या नहीं होगा, तो हम इसको देखेंगे, हमने ये महादशा का देखा सिर्फ, अब हमने अंतरदशा में देखा, हमसे एक पर्सन आया पूछ रहा है कि क्या मैं अपना बिजनेस कर लूं, हमें 2 यहाँ पर मिल गए, हम नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है, अब हमने दूसरी दशा लिखी थी मून की, क्या हमें यहाँ पे मून का 7 का मिल रहा है अंतरदशा में, हमारे लिए सबसे पावरफुल महादशा है, तो जब महादशा ही हमें दे रही है तो इसका मतलब हमारा इवेंट हो जाएगा। अब इवेंट होने के लिए हमारे पास और एक क्या रूल है जो हमें लास्ट में एक रूल लगाना है, दैट इज कि हमारा इवेंट होता कब है, चलो मैं ही बताती हूँ, हमारा इवेंट की वो कब होगी, एक टेबल बना सकते हो, अगर किसी इवेंट को प्लैनेट
नक्षत्रा और सब लॉर्ड उपनक्षत्रा, हिंदी में उपनक्षत्रा बोलते हैं और इंग्लिश में सब लॉर्ड बोलते हैं, इसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं। अब मान लो ये भी आपको बोल रहा है यस, ये भी यस बोल रहा है, ये भी यस बोल रहा है, यानी तीनों में सेवन नंबर आ रहा था हमारा मान लो, तो ये इवेंट 100% होगा, इसी महादशा में हो जाएगा 100%। अब मान लो प्लेनेट यस बोल रहा है, नक्षत्र भी यस बोल रहा है और ये नो बोल रहा है, इसका नंबर नहीं आ रहा, तो चांसेस 50-50 रहेंगे, 50-50। ठीक है, अब मान लो प्लेनेट भी, प्लेनेट नो बोल रहा है, ये यस बोल रहा है, ये भी यस बोल रहा है, तो ये यस हो जाएगा। मान लो प्लेनेट यस बोल रहा है, नक्षत्र नो बोल रहा है और ये भी यस बोल रहा है, तो ये नो बोल। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल देखा, हमने देखा उसमें प्लेनेट भी यस बोल रहा था, नक्षत्र भी यस बोल रहा था, बस होने की देर थी। वहां पर हमें कौन सा प्लेनेट दिख रहा था? राहु। तो हम क्या करेंगे, अब हमने प्रिडिक्शन कर लिया, अभी तुम्हारा काम काफी चांसेस है, देखो हमारा यहाँ 50-50 दिखा रहा है ना, 50-50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लेनेट उसको तंग कर रहा है इसकी रेमेडी करवा देंगे। अब इसकी क्या रेमेडी करा सकते हैं हम राहु की? हम भैरव जी की पूजा करवा देंगे, हम चाय पत्ती का डोनेशन करा देंगे, हम जो है और क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए जैसे कि स्वीपर होता है, स्वीपर को डोनेशन करा दो, नहीं तो आप इसके लिए और एक रेमेडी कर सकते हो, रुद्राभिषेक करा सकते हो, और इसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हो आप राहु के लिए, अवॉइड क्या कराओगे, ब्लैक कलर अवॉइड करा दोगे। तो आपने इसको करना है, इसके करानी है रेमेडीज और इसको कराना है स्ट्रॉन्ग। तो आप 2 मिनट के अंदर इसको, 1 मिनट में आप जो है इसको बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को देख के कि हमारी ये इवेंट होगा या नहीं होगा। आपको यहाँ पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सारे के सारे आते हैं, जो न्यूट्रल घर है वो नहीं आपको छेड़ने, जो पॉजिटिव है बस, जो नेगेटिव दे रहा है उसको आपको करना है और पॉजिटिव को आपको इनहेंस करना है, दैट्स ऑल। दिस इज द पावर ऑफ द नक्षत्र। और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि हमारा जो है, ये तो मैंने आपको ये बताया, सिर्फ एक पार्ट बताया, वो भी छोटा सा बताया, ओवरऑल इनकम, या जैसे मैंने आपको बताया जॉब और बिजनेस, फाइनेंशियल लॉसेस कब हो सकते हैं, उसके क्या योग होते हैं, प्रमोशन इन जॉब, वो प्रमोशन कब होगी, है ना, ट्रांसफर कब हो सकता है, ट्रांसफर में हमारी सर्विस के थ्रू ट्रांसफर होगा या कोई प्लेस पर ट्रांसफर होगा, बिजनेस में ग्रोथ कब हो सकती है, लव अफेयर, मैरिज, मैरिज हमारी सिंपल होगी कि लव मैरिज होगी, वो हम देख सकते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड इशू या चाइल्ड कंसीव कब हो सकता है, होगा या नहीं होगा, वो सब हम देख सकते हैं, फॉरेन जाएंगे सेटलमेंट होगा, फॉरेन से बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, फ्यूचर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से, फॉरेन में स्टडी होगी, इंडिया में स्टडी होगी, बच्चा फेल होगा, कब प्रोग्रेस होगी, ठीक है, कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट केस, सेकेंड मैरिज कब हो सकती है, अगर किसी की मैरिज है, डाइवोर्स कब हो सकता है, होगा क्या नहीं होगा, ये हम उसे कैसे बचा सकते हैं, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज की रिकवरी कब होगी, कोई पर्सन जो है बाहर से, फॉरेन से कब आएगा, ऐसे करके आप सारे के सारी चीजों को 1 मिनट के अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत वास्ट कोर्स है, आप लोगों को इसमें 1 मिनट लगेगी प्रिडिक्शन करने में। समझ आया आप लोगों को? आप लोगों में से अगर किसी को अपना पता है और अगर करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को आपका ही एग्जांपल लेके बता देती हूँ, जिसको पूरा पता हो अपना, ठीक है, साथ में अपना खोल के बैठना फिर, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है ना फिर। इस लार्ज एक्सपर्ट, आपको समझ आया सर जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की?
तो इस तरह से हम हर चीज को देख सकते हैं। जैसे हमें मैरिज देखनी है तो हम क्या करेंगे, 7-11 देखेंगे। अगर उसके साथ 6 का आ रहा है तो 7th को, जैसे मैंने बताया, मैं आपको सिखाऊंगी कि 7th से नेक्स्ट हाउस जो होता है, हम इस तरह से किसी भी हाउस का निकाल सकते हैं। सपोज हमसे किसी ने ये पूछा, अच्छा मान लो किसी ने हमसे ये पूछा कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अब मैरिज के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं, मैरिज के लिए हम देखते हैं 7th हाउस, ठीक है। अगर हमने किसी से पूछा, किसी ने हमसे पूछा, तो हमारे को मैरिज के लिए चाहिए 7th हाउस, 7th, 11th और 2nd हाउस। मेन रहता है 7th और 11th। 7th हाउस होता है मैरिज, 11th हाउस होता है गेन, और 2nd हाउस होता है सपोर्टिंग। सेकेंड हाउस होता है सपोर्टिंग। अगर यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ 6 आ जाए, रिपीटेशन ऑफ 6 आ जाए, ठीक है, रिपीटेशन 6 का आ जाए, 6 नंबर का हाउस कौन सा, ये। तो ये अगर हम इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 हो गया, मैरिज हाउस से 12 हो गया। तो अब हमारे को ये क्या दे रहा है, मैंने अभी बताया था ना, एवरी जो भी हमें देखना होता है उससे लास्ट वाला हाउस, उससे 12th हाउस क्या करता है, रिजल्ट्स को डिक्रीज करता है, यानी कि माइनस करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये 6 का दे रहा है तो हम इसकी रेमेडीज करेंगे, और ठीक है, इसके अवॉइड करेंगे इसकी चीजों को। तो एक मिनट लगता है आपको प्रिडिक्शन को करने में। मैडम कुल मिला के ये किसी भी आंसर का जवाब देने के लिए क्विक प्रिडिक्शन की शॉर्ट प्रिडिक्शन है, क्विक, 2 मिनट में होगा कि नहीं होगा, किस टाइम पे होगा। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे, पिछली बार हमारा बैच बहुत बड़ा था और बहुत सारे लोग उसमें सिखा भी रहे हैं, जो नक्षत्र का हमारा लास्ट बैच हुआ था, 2-3 बैच हम ले चुके हैं, कि इसमें ना आपको रेमेडीज बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक हाउस से 12th हाउस और एक हाउस से 2nd हाउस। अब आप क्या करोगे, 2nd हाउस को बढ़ा लो, 12th हाउस को कम कर लो, कितना आसान है। अब वहां क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये आसान और इजी वे है टू प्रिडिक्ट ईच एंड एवरी, और कोई भी इसको सीख सकता है, बहुत आसानी से सीख सकता है, मिनटों में कैलकुलेशन कर सकता है। कोई आपको ज्योतिष आने की जरूरत नहीं, जितनी चाहिए उतनी हम बता देंगे। अभी तो मैंने आपको हाउसेज वगैरह सारे कुछ नहीं बताए, क्योंकि मैं एक ये आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, योगा, कि बहुत सारे लोगों को ये आता है और अच्छी भली जॉब कर रहे होते हैं, जाके बिजनेस में चले जाते हैं और लॉसेस ले लेते हैं। बहुत अच्छा काम करता है जब आपके बच्चों के एग्जाम्स होते हैं या आपके में होते हैं। हाँ, इसमें अगर आपका 9th हाउस से आ रहा है, जिसका भी आ रहा है, कल मुझे किसी ने बात की थी, मुझे याद नहीं आ रहा उन मैम का नाम क्या है, क्या बोलते हैं, मुझे रात को उन्होंने पूछा था कि मैम मेरा ना वो नहीं हो रहा, उनका 9th हाउस में जुपिटर बैठा है, उनका ज्योतिष में बड़े आराम से कैरियर बनेगा, 9th का उनका वो आ रहा है, तो बड़े आराम से बनेगा। तो 9th हाउस का जिस जिसका भी आता है, उनके कैरियर 10th हाउस से नहीं आते, उनको ज्योतिष में ओकल साइंस में ही जाना पड़ता है, ठीक है जी। क्वेश्चन ले लें क्या? बिल्कुल मैडम, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो आधा घंटा ही पड़ा है, आधा घंटा बहुत कम होता है क्वेश्चन आंसर के लिए। आप अपना ग्रुप चेक कीजिए, मैंने तीनों क्लासेस का कंटेंट डाल दिया है जो आप सीखने वाले हैं। ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं, पूरे के पूरे चैप्टर रहेंगे इसके, और पूरा का पूरा कोर्स इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, मैडम आंसर करेंगी। जिन जिन के भी हैंड रेस है उनसे बात कर लेते हैं। श्याम लाल जी से बात कर लेते हैं, सबसे पहले लाइन से ही ले लेते हैं जी। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे जी। राधे राधे सर। मैम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि जिस हाउस की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उससे 12th हाउस नेगेट करता है, और आपने कहा कि जो 2nd हाउस है एनहांस करता है, यहाँ पे 2nd हाउस है या 3rd हाउस है?
वैसे मोस्ट प्रोबेबली केपी में तो यही कहते हैं कि थर्ड हाउस उसको जो है एनहांस करता है, आप बता रहे हैं सेकंड हाउस? मैं बताती हूँ आपको, बताती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। केपी एंड इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ये केपी का एक पार्ट है, ठीक है। केपी में हम क्या करते हैं, हम राशि लेते हैं और उनके प्लेनेट की पोजिशन देखते हैं, उसके हिसाब से हमारे सूचक बनते हैं, ठीक है। केपी में हम क्या कहते हैं, हम उच्चे भाव का यूज करते हैं। थर्ड इज अ उच्चे भाव कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा होगा, लेकिन यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड हाउस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड हाउस ऑफ द इवेंट हाउस, जिस चीज से हमें प्रिडिक्शन करनी है। सपोज मेरे को चाइल्ड की करनी है, ठीक है, तो चाइल्ड के लिए हम कौन सा हाउस यूज करते हैं, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ से सेकंड कौन हो गया, सिक्स हाउस। हाँ, सिक्स। हाँ, और जो आप केपी की बात कर रहे हो ना, ये वहां पर या केपी का या किसी में भी तो बोला जाता है ज्योतिष को उच्च भाव, भाई नहीं है, जितनी मेहनत। बहुत आ रही मैडम, एक मिनट रुको मैडम, अब बोलिए आप। सर जैसे नॉइस नहीं, अब सही, अब आप बोलिए। श्यामलाल सर, जैसे आप थर्ड हाउस को एक्टिव करते हो ना, उतना आपका भाग्य खुलता है, ठीक है। नाइन्थ हाउस इज योर डीएनए, नाइन्थ हाउस इज योर भाग्य। तो थर्ड हाउस भी सेट साइड की उच्चे भाव, मतलब एक छोटी सी भूमि, छोटी सी मिट्टी जिसमें हम खाद डालेंगे, मेहनत करेंगे और हमें वो चीजें अचीव होंगी, तो बेसिकली थर्ड हाउस को मैसेज देते। बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली उन्हीं हाउसेस को देखेंगे। सपोज मेरे को किसी ने पूछा कि मैं फॉरेन कब जाऊंगा, ठीक है, तो फॉरेन के लिए हमने थर्ड हाउस लिया, नाइन्थ हाउस लिया, ट्वेल्थ हाउस लिया, राइट। मेन हमने ट्वेल्थ हाउस लिया, अब मेरे को यहाँ पर उसका लगन भी उसको नेगेट कर रहा है, क्योंकि लगन उसका क्या हो गया, तो हम यहाँ पर ऐसे लिए। जी सर बोले। जी उनके ऐसे नॉइस आ रही है सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर अनम्यूट कर लो। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हम वैसे तो नॉर्मली केपी में यही देखते हैं कि नक्षत्र नाड़ी देखते हैं, तो अकेले नक्षत्र नाड़ी कैसे हम देख सकते हैं? ये उसी का पार्ट है, ये प्रिडिक्टिव पार्ट है जो आप उसकी बात कर रहे हो, उसमें आप ये नहीं देखते, उसमें आप सूचक देखते हो, उसमें आप सब सब लॉर्ड भी देखते हो। हाँ, सब लॉर्ड भी नहीं, सब लॉर्ड ही देखते हैं, सब सब लॉर्ड तो हरेरी में देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली ना, लेकिन ये नक्षत्र उसी का पार्ट है, उसके और जो केपी है ना उसके साथ और एडवांस चला गया, दोनों करेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको कि कहां पर उसका फर्क है, राइट है मैडम? ये प्रेडिक्शन कोर्स है जी। ज्योति राठौड़ जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। तो मुझे यही लगे, मुझे मेरा भी यही क्वेश्चन था, केपी और इसमें क्या फर्क है। आपने बता दिया, फिर भी बहुत ही यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मूर्त में तो किया है, फिर मैं यही था कि आज का करे के नहीं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। आप इतने अच्छे से समझाते हो, सभी कोर्सेस करने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। बहुत बढ़िया। ज्योतिष के लिए तो मैडम एक जन्म भी कम है। सही में, सही में। अभी लेकिन इतनी इजी प्रेडिक्शन आपने बता दिया कि बहुत बढ़िया। आई विल ज्वाइन, श्योरली ज्वाइन, और सबको बोल रही हूँ, यदि ज्योतिष परफेक्ट करना है तो चित्रा मैम के सभी क्लासेस करने पड़ेंगे। वो तो मैम पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने एक बार मेरे गुरुजी से पूछा कि हम लोग प्रेडिक्शन अपने ऊपर रेमेडीज नहीं अप्लाई करते, फिर भी हमें क्यों फर्क पड़ जाता है, आपसे बात करके फर्क पड़ जाता है या आपके पास आके फर्क पड़ जाता है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब कीर्तन में जाते हो, जब कीर्तन से आते हो, जब जाते हो तो कैसा नेचर होता है, और जब आते हो तो ज्योतिष आपकी आत्मा का ज्ञान है, आपकी अंतरात्मा का ज्ञान है, ये आपके कैसे जीवन में आता है और कैसे आपके ओरा को चेंज करता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो इसके साथ, ठीक है। इसमें अलग अलग विद्याएं हैं। अब जैसे आप, जैसे अगर आप वैदिक में करते हो, वैदिक में कितना भी रिसर्च कर लो, पूरे 20 साल वाले भी कहेंगे हमें और सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ सोचा ही नहीं, वहां पर ऊंच का नीच का दृष्टि ये वो सब करते हैं, उसी से निकली भी सारी चीजें। यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन करनी है, दो मिनट में आप पकड़ लो। बहुत इजी और बहुत बढ़िया है ये। इजी है, इसको प्रेडिक्टिव साइंस बोला जाता है, तो इसको उसमें यूज किया जाता है। डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे मैम, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू मैम।
थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। स्वर्णा कुमारी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, राधे राधे बोलिए मैडम। हाँ राधे राधे मैम। राधे राधे। मैंने पहली बार आपका क्लास ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने आधा ही देख पाई, मैं पूरा नहीं देख पाई, तो मैं ज्वाइन करना चाहूंगी आपका क्लास। तो अब कुछ पूछ सकती हूँ क्या मैम, अपना कुछ पर्सनल? अगर देखो इसके लिए ना, अगर आपको पता है सारा कुछ तो आप पूछ लो, क्योंकि इसके अंदर मुझे नक्षत्र नाड़ी का वो सिग्निफिकेटर चाहिएंगे। आप वैसे पूछना चाहते हो वैसे पूछ सकते हो, क्योंकि देखो अगर आपको सिग्निफिकेटर पता है तो आप पूछ लो, क्योंकि आप प्रिडिक्शन करने हैं। अदरवाइज आप क्लास में आओगे तो खुद ही देख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आप क्या पूछना चाहते हो, चलो पूछो, वैसे पूछो आप। मैडम अनम्यूट करके बात करिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। क्या पूछो, क्वेश्चन पूछो मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपको मैंने कमांड दी है आप। हाँ मैम, अब बोलिए। पूछो क्या पूछो। मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, क्या मैं मेरा हो सकता है ट्रांसफर? ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, आपका ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ओके, अभी मैं आपको प्रश्न से ही जवाब दे देती हूँ, बाकी तो मैं एक नंबर बोलो मुझे, 170 के बीच, 170 के बीच में मैडम एक नंबर बोलो, 170 के बीच में एक नंबर बोलो। 63। ओके, आपके आसपास कुछ ग्रीन कलर का पड़ा हुआ है क्या? ग्रीन कलर का ऐसा ग्रीन बैग है। अच्छा, कोई रिलेशन की वजह से आप जाना नहीं चाह रहे हो क्या मैम? कोई रिलेशंस की वजह से आप जाना नहीं चाह रहे हो, फैमिली रिलेशन ट्रांसफर आप नहीं चाह रहे हो रिलेशंस की वजह से? मैं चाहती हूँ ट्रांसफर, चाहती हूँ। ओके, आपके राइट साइड पे देखो क्या नजर आ रहा है, एक एक चीज बताओ। राइट साइड में कर्टन है। कर्टन है, कौन से कलर? ब्राउन। ब्राउन कलर, ओके। आप एक काम करना, मैं आपको दो रेमेडी बता रही हूँ, आपको थोड़ा जल्दी आराम हो जाएगा। आपने क्या करना है, मैं 8 सालों से ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं रहा है ट्रांसफर। देखो मैं अभी तो आपको रेमेडी बता सकती हूँ, बाकी तो अभी जो आपका प्रश्न आ रहा है तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि दो तरह की चीजें चल रही है, दो जनों में कंट्रोवर्सी चल रही है और वो चीज हो नहीं पा रही। फिर भी मैं आपको जो रेमेडी मुझे लग रहा है इस टाइम पे आपको मैं वो बता रही हूँ। आपने 3 केले जो है ना वीरवार को जो है मंदिर पे देने शुरू कर लिए हैं, ठीक है, और संडे के दिन पे जो है आपको 1 किलो दलिया 5 संडे को जो है मंदिर पे चढ़ाना है, एंड शनिवार के दिन पे आपको 3 से 5 के बीच में चाय पत्ती लेनी है। कितने लोगे चाय पत्ती? आप 10-10 रुपए वाले 10 पैकेट ले लेना और 10 लोगों को डोनेट कर देना, ठीक है। 5 शनिवार करना ये, 5 शनिवार वाला करना गेहूं वाला, और ये 3 केले जो है आप हर वीरवार को जो है 10 वीरवार को कर देना, ठीक है। चलो मैम, केले कौन से मंदिर में चढ़ाने? किसी भी मंदिर में चढ़ा। ओके ओके, थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं लीना जी का। जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम अभी आपने बताया कि हाउ टू सी मनी पोजीशन इन लाइफ, तो मेरे पास एक अभी कुंडली है उसके, इसमें आपने कहा 10th हाउस देखते हैं फॉर मनी। 10th हाउस फॉर टोटल वेल्थ के लिए आप ना 10th और 11th को मॉनिटर करोगे कि लाइफ में किसी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेंगी, उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, 11th करने से उसका बेनिफिट कैसा रहेगा। जरूरी नहीं होता कि हर बंदे के पास कमाने के बाद ही मनी है, है ना। कई लोगों को पेरेंटल मिल जाती है, कई लोग अपने एजुकेशन से कमा लेते हैं, और एक लोग क्या करते हैं कि सुबह से मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग तक वर्क करते हैं तो आता है। 10th हाउस क्या कहता है कि वर्क करते हैं तो आता है, 11th हाउस कहता है कि आपको गेन हो जाए। मैम अभी एक्चुअली क्वेश्चन है कि पैसा है ना कहीं ऐसे कहीं फंसा हुआ है, तो वो कैसे पोजिशन पता चल सकता है कुछ के आएगा कि नहीं, या कुछ रेमेडी कुछ ऐसा नहीं? वो आप जब इसको करोगे योगा देखोगे तो आप देख लोगे कि सेकंड जो उसका पैसा है, सेकंड हाउस है ना वेल्थ, ठीक है, वेल्थ को सेकंड हाउस है, उसको देखो आप दशा में कौन कौन से नंबर दे रहा है,
सेकंड हाउस में मैम 8 नंबर और गुरु है। नहीं, आप जब उसके सिग्निफिकेटर देखोगे मैडम, उसमें देखो कि जो दशा चल रही है वो कौन कौन से नंबर से, तो जो नंबर उसको नेगेट कर रहा है उसकी आप रेमेडी करवाओगे, और जो उसको कर सकते हैं उसको आप पढ़ाओ। तो मैम कुछ रेमेडी कुछ दे सकते हैं ऐसे कुछ? अभी तो अभी तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, आप खुद से चेक कर लो ना, मैंने आपको बताया, आप जब दशा देखोगे सेकंड हाउस को देख लो, सेकंड हाउस का मनी का ब्लॉक हो रहा है, मनी आने के लिए सेकंड और इलेवन का योग होना जरूरी है, सेकंड एंड इलेवन का, तो उसके साथ में आप देख लो उसका नेगेटिव कौन सा आ रहा है, क्या उसके साथ में सेकंड का जो नेगेटिव आ रहा है फर्स्ट आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, जो नेगेटिव हाउसेज आ रहे हैं उसके लिए आप रेमेडी करा लो, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप इनहेंस करा लो। ओके मैम, धन्यवाद 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 मैडम। वन क्वेश्चन ओनली। एक बार मैडम छोटा सा रिमाइंडर, 3 क्लासेस मैडम की आ रही हैं, जिसमें एक है नक्षत्र नाड़ी जिसके बारे में आज चर्चा की गई है, इसके अलावा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त शास्त्र का टाइम 12:11 का आफ्टरनून का है, वो भी 6-7 डेज की क्लासेस रहेंगी। इसके बाद 5:30 नक्षत्र नाड़ी की क्लास चलेगी, जिसकी भी 1.5-2 घंटा क्लास चलती है, और रात को 9:10 पे चलेगी आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो भी 6-7 की क्लास है। तीनों की तीनों ही क्लासे 13 से स्टार्ट हो रही हैं। सभी का एनर्जी एक्सचेंज 4100 है। आज रात को 12 से पहले क्लास करने के लिए आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए 3540, मौर्य शास्त्र के लिए 1770, और नक्षत्र नाड़ी के लिए 3540 का एनर्जी एक्सचेंज है। अगर नक्षत्र नाड़ी के साथ कोई भी एक क्लास और लेते हैं तो फिर आपका एनर्जी एक्सचेंज नक्षत्र नाड़ी का भी 1770 रहेगा। इसके साथ ही आपको 3 की रुद्राक्षी क्लास भी इसमें रिकॉर्डेड वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। जिसको भी ऑफर का लाभ लेना है रात को 12 से पहले पेमेंट कर ऑफर का लाभ ले सकता है। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है और 11:00 तक अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन ऑफर आपका रात को 12 से पहले का है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर 7665559566 पर भेजकर आप अपनी सीट को सिक्योर कर लें, सुबह आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी। पेमेंट आपको 9675176666 पे करना है, स्टार साइन नाम आएगा, स्टार साइन पे आपको करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। बहुत सारी अपकमिंग क्लासेस भी आ रही हैं, और आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर मैंने अभी का अभी आपको एक तीनों ही क्लासेस का कंटेंट दे दिया है कि आप उसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। जी मैडम, अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मुझे अभी क्या ट्रेवलिंग में निकलना है, जल्दी जल्दी जिनका कैमरा ओपन है उनका ले लेते हैं। किरण जोरा जी का ले लेते हैं जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा बहुत ही इजी तरीके से बताई चीजें, बट मेरा एक डाउट है मैम, पूछ लूं मैं आपसे? हाँ पूछो ना आपके डाउट मैम। जैसे अभी आपने जैसे आपने अभी बताया कि नक्षत्र नाड़ी में जो हम सिग्निफिकेटर चेक करते हैं, अगर महादशा में जैसे प्लैनेट नक्षत्र और सब लोड हम चेक करते हैं, अगर जैसे 2711 फॉर मैरिज ही ले लें, अगर वो ऊपर नीचे आते हैं उनमें, जैसे प्लैनेट में 2-2:11 दे रहा है और नक्षत्र दे रहा है और सब लॉर्ड में 11 दे रहा है, तो वो भी काउंट होगा? वो काउंट होगा, लेकिन शादी के लिए मेन घर कौन सा है? 7 का रिपीटेशन आना जरूरी है ना, शादी से बेनिफिट 11 और फैमिली के साथ ऐड ऑन होना सेकंड हाउस। मान लो आपका एक में 7 आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, जो मैंने आपको एक रूल बताया है कि किसमें 50% चांसेस है किसमें 100% है, तीनों में 7 आ गया शादी हो जाएगी, ठीक है? 2 आ गया मान लो, वो तो मैं महादशा, हाँ ओके, मैं तो आप चेक करोगे इवेंट को तो महादशा से ही करोगे ना, महादशा के प्लेनेट से ही करोगे ना? बिल्कुल। अगर आपके पास कोई आता है आपसे कोई पूछता है मेरी शादी नहीं हो रही, तो आप पहले तो उसकी दशा ही चेक करोगे ना कि महादशा सबसे ज्यादा इवेंट देती है, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर। आपने देखा कि उसका महादशा में तन चल रहा है और आपने वहां जाके उसके सिग्निफिकेटर यूज किए और वो तीनों लेवल पे आ रहे, तो ना शादी का मतलब, अब 2 पे आ रहे हैं तो 50% चांस है। अब आपको दिख गया कि इसको नेगोशिएट ये वाला हाउस करो, तो यू कैन डू द रेमेडी ऑफ दैट, ठीक है? तो मतलब वहां से आप मतलब ठीक ये समझ आ गया कि अगर कोई बाहर भी जाना चाहता है
तो अगर उसको निगेट कर रहा है वो नंबर, जैसे 9-12 है, अगर 8 आ गया तो फिर उस 8 नंबर की हम रेमेडी कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो निगेट कर रहा है, उससे रिलेटेड चीजों को अवॉइड कराओगे तभी तो जा पाएगा। और मान लो कि आपका 9-12 आ रहा है, 2 लेवल पे आ रहा है, तीसरे पे नहीं आ रहा, तीनों पे आ रहा तो काम ही हो जाएगा ना। अब प्लैनेट पे और सब नक्षत्र पे नहीं हो रहा, नहीं आएगा, चांसेस होंगे, आपको बार बार आएगा मैसेज कि हाँ जाना है जाना, काम ही नहीं होगा। और तो मैम अगर प्लैनेट और नक्षत्र पे आ जाए और सब लोड पे ना हो तो 50-50 चांस हो ना, तो 50-50। ओके थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा करवाया आपने, तो मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन आपका जो टाइमिंग मुझे सूट नहीं कर रहा मैडम। 3-3 क्लासे है, 12 बजे है, 5:30 बजे है, 9 बजे है, कोई तो टाइम सूट करेगा, इनमें से कौन सा आपको कौन सा टाइम सूट करता है बताइए। सर मैं 9:00 वाला कर सकती हूँ, क्योंकि 5:30 तो मैं खुद ट्यूशन लेती हूँ, तो 9:00 भी तो है हमारी क्लास, 9:10, 9:10 नक्षत्र नाड़ी वाली सर, नक्षत्र नाड़ी की 9:10 पे कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है मैडम। देखो मैं आपको थैंक यू सर। किरण जी एक चीज बता दी, आप करो या नहीं करो आपका आपका अपना वो है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दी, एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, फिर इसके सारे फॉर्मूलेज ही होते हैं। और ये आपको तो अभी ये भी बेनिफिट है कि आप लोगों को पीडीएफ्स मिलेंगी इतने रीजनेबल प्राइस पे, 6 दिन का कोर्स, और इसका अगर आप देखोगे ना इतना सिलेबस है आपको। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस साइंस में ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, आपने वो देख लिए समझ लिए तो आपको उसमें काउंट करने में आसानी हो जाएगी अगर आप इस फील्ड में हो तो। बाकी तो देखो आपकी इच्छा है वो, जब नहीं मैं इसी फील्ड से हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी की है यहाँ से, और वो भी किया था यंत्र, न्यूमरोलॉजी यंत्र यहीं से किया था मैम, एक जो आए थे तो सर के साथ, तो जब से जुड़े हुए हैं, तो आज आपका देखा, बट आपका नक्षत्र नाड़ी बिल्कुल डिफरेंट था। थैंक यू मैम। आप उसको यूज कर सकते हो, आपको न्यूमरोलॉजी में भी कन्वर्ट करके कर, आपने देखा कि 7 नंबर का प्लेनेट आ रहा है और 6 नंबर का वो दे रहा है, वो मरकरी है, तो आप उसके रिलेटेड ठीक है। जी जी थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एसलर एक्सपर्ट सर से भी बात कर लेते हैं। सर एक ही सवाल है मेरा कि लेट से कि तीनों क्लास करते तो कितना पैसा देना है वो आप बता दें। 7080 सर। ओके जी, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। और सर सर प्लीज 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 प्लीज, मैंने सवाल पूछा था मैम को कि इंडिविजुअल कुंडली डिस्कस कर पाएंगे, उस लेवल की डिस्कशन होगी क्या? Not all kundli, but let's say 1% की मुझे करनी है, मैं analyze करूं, मैं उसको approve करें या like that, वो हो जाएगा ना? देखो सर हम तो सारा कुछ दिखाई देते हैं और अपनी कई बार करते भी हैं, लेकिन कई बार कैसा होता है ना, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब एक स्टूडेंट की कर दी और दूसरे की नहीं करी ना, तो वो कहते हैं मैडम पार्शियल हो गई। नहीं मैम एज अ डिस्कशन, नॉट कि आप किसी एक के लेके करो, आप कर ले ठीक है। प्लीज प्लीज ओके, थैंक यू थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे रीना जी, राधे राधे। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, ये जो नक्षत्र नाड़ी की क्लास है ना, ये हमें उसमें मिली थी ब्लेसिंग में, मैरिज एस्ट्रोलॉजी में। किसमें मिली थी सर? मैरिज एस्ट्रोलॉजी में। नहीं मैडम आप मुझसे बात कर लो, वो तो मिल गई, तो आप उसको उसके अलावा कर लीजिए कोई भी। नहीं नहीं सर, तो मैंने जब थोड़ी इंक्वायरी की तो क्या मैं इसमें पूछ सकती हूँ, आ सकती हूँ, उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा सर? हाँ आप मुझे कॉल कर लो ना, मुझे कॉल कर लो अभी सेशन के बाद ना। ठीक है सर, ओके थैंक यू। थैंक यू जी। चलिए और किन का हैंड रेस है? पूजा जी का है, पूजा जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी बिटिया से लेकर संबंधित है, प्लीज आप बताएंगे? पूछो ना मैडम, क्या पूछना है आपको? सर मेरी बिटिया है, उसको थोड़ी है ना न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है। नहीं आपको उनका चार्ट पता है? चार्ट पता है? हाँ, नक्षत्र उसका मृग शिरा 2nd पाए में है। आपको मुझे सिर्फ आप 1-2 चीजें बता दो, क्योंकि अब आपने पूछा है तो नहीं तो, क्योंकि अभी सर को भी जाना है। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैडम, एक क्वेश्चन हो, बाकी सबके तो कैमरे वैसे भी बंद है। आप मुझे उनका ना हॉरोस्कोप का वो बोलो। हॉरोस्कोप उसका मैडम, हॉरोस्कोप है 17 मार्च 2005।
मैडम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे प्लैनेट्स बोलो, लगन बोलो। लगन उसका है ना 5 नंबर पे है। ओके। और मृग शिरा उसका नक्षत्र है और नाड़ी मध्य। आप सब छोड़ दो, नाड़ी बड़ी सब छोड़, बस मुझे प्लैनेट्स बताओ। प्लैनेट उसका मैडम 2nd नंबर में गुरु है। मैडम 2nd नंबर में, 2nd हाउस में, ये बताओ। 2nd हाउस में है गुरु। okay. और 6th हाउस में मंगल है मकर राशि का। और 12th हाउस में सूर्य बुध, और कोई कोई मतलब हॉरोस्कोप राहु भी यहाँ बता रहा है, और कोई बता रहा है 9वें भाव में राहु है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और 11वें भाव में शनि है, और 10वें भाव 11वें में शनि है, और 10वें में चंद्रमा वृषभ राशि है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। और केतु जुपिटर, वीनस का है मैम, बुध वीनस, नहीं शुक्र, शुक्र शुक्र उसका 7th हाउस में। ठीक है, दशा बताओ मुझे। राहु की दशा चल रही है मैडम। ठीक है, ओके। उसकी मैडम 2 बार सर्जरी भी हो गई है, एक अभी हुई है जस्ट सर्जरी, एक पिछले साल हुई थी। उसको मेडिकल में जाना है, तो डॉक्टर बोल रहे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लो, पर इसको डॉक्टर ही बनना है। तो थोड़ी मुझे इसके हेल्थ इश्यू की बहुत चिंता होती है। देखो देखो, इसको न्यूरो इश्यू है, न्यूरो इसको ना जो मैसेजिंग जाती है वो थोड़ा लेट जाती है माइंड के अंदर। ठीक है जी, मैं आपको एक रेमेडी यहाँ बता देती हूँ, आप कर लेना। ठीक है, वैसा आप थोड़ा ज्योतिष जानती हो। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा हुआ ना। हाँ हाँ मैडम, हाँ ठीक है। मैं मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, मेरी मेडिकल की क्लास मिस हो गई थी मैडम, मुझे बहुत वो अफसोस हुआ, पर अभी मैं 13 को जरूर लूंगी। वो मैडम कोई लो, आपकी कोई इच्छा है, लेकिन मैं भी आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। हाँ। एक काले रंग का कपड़ा ले लेना छोटा सा, ठीक है। अच्छा हाँ। और उसके अंदर ना आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो, क्या जल्दी जल्दी लिखो जो मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ, काले रंग का कपड़ा। हाँ, और एक 12 गेहूं के दाने डाल ले आपको, 12। अच्छा, 12 गेहूं के दाने। यस यस मैडम। ठीक है, 2 अमचूर डालनी है। 2 अमचूर, खड़ा अमचूर। हाँ खड़ा अमचूर। हाँ ठीक है मैडम। 6 पिंच जो होती है ना, 6 चुटकी, 6 चुटकी लाल मसूर की दाल। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ 4 चुटकी डालनी है इसके अंदर चाय पत्ती। 7, 4, 4, 4, 4 पिंच। हाँ, चाय पत्ती डालनी। क्या डालना है मैडम? चाय पत्ती, चाय पत्ती। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसको क्या करना है, शाम को, रात को, 11 से 12 के बीच में बर्न करवाना। ठीक है, 11 से 12 के बीच में बर्न कराना, बर्न कराना स्टील की छलनी में किचन में, और करवाने के बाद जो है ना टॉयलेट में फ्लश करा देना उसकी ऐश को, और एक येलो कलर का धागा उसके गले में डाल दो। और वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचती है, और कई एक दो तरह के चीजें बनी हुई है उसका, क्योंकि अभी यहाँ पे डिग्रीज नजर नहीं आ रही, तो अगर वो जितना मेंटल स्ट्रेस डालेगी ना तो वो कर नहीं पाएगी, तो उसको इसके लिए रिलैक्स कर। बहुत मेंटल स्ट्रेस है मैडम उसको। आप ये कराओ और ये कराओ, और अभी जो ये चल रहा है ना श्रवण का मंत्र, श्रवण का मंत्र चल रहा है, रुद्राभिषेक करा दो और 7 मुखी रुद्राक्ष करा। ठीक है जी, 7 मुखी रुद्राक्ष मैडम। तो मैडम ये सारी चीजें उसके ऊपर घोरना है, वो जला दे और बस आप बंद करवा दो, और ये सारी चीजें खानी नहीं है 16 दिन तक। अच्छा ये खानी नहीं है, ठीक है। ये बन उसके हाथ से कराऊं मैं, करूं आप उस, वो है तो उसी से करवा दीजिए मैम, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है मैडम। तो मैडम डॉक्टर बनने के है मैडम, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा लो मैडम से, कंसल्टेशन के लिए आप उससे बात कर सकते हो। अभी जो मैडम ने रेमेडी बताई है आप वो कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा, ये मैं कह सकता हूँ। हजारों हजारों टेस्टिमोनियल हमारे पास है इसके, हम अगर आपको वेबिनार में भी या किसी फ्री ब्लेसिंग क्लास में भी रेमेडी दे रहे हैं तो वही चीज देंगे जो आपकी ऑथेंटिक होगी। अब मैं कुछ एक धन्यवाद करना चाहता हूँ,
रुचि मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है, सौम्या मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है, मीना शर्मा जी का, शैली सिंगला जी का, सुमित्रा जी का, सुप्रिया गोयल जी का, विभा महेश्वरी जी का, विमला जी का, जिन्होंने ये क्लासेस की हैं। इसके अलावा जो मेडिकल में भी हैं, अलका गुप्ता जी, अंजना जी, चंदन जी, नीलिमा ब्रोकर जी और ज्योति राठौड़ जी, कोमल मल्होत्रा जी, मधु जैन जी, माला मेहता जी, मीनू गुप्ता जी, नम्रता मिश्रा जी, नीलम सिंह, जिन्होंने जिन्होंने भी पेमेंट किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीता भाटिया जी बॉम्बे से, पलक जी, प्रिया हजारे जी, रीना गुप्ता जी, पूर्णिमा जी, शैली सिंगला जी, सोनाक्षी मिश्रा जी, सुनीता मिश्रा जी, अर्चना जी का, सभी का जिन्होंने भी सब पेमेंट कराए हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने हम पे भरोसा किया। एकता जी का और करुणा भूषण जी का, किति अशोक जी का, और भी बहुत सारे नाम हैं, आराधना सचदेवा जी का, राखी पी डागा जी का, साबू सर जी का, शिल्पा जी का, स्नेहा टिबरवाल जी का, योगा एलिजाबेथ बेकम मैम का, सभी का जिन्होंने भी ये सारी तीनों क्लासों में से किसी में भी इनरोल कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी ऑफर का लाभ लेना है वो आज रात तक ले सकता है, उसके बाद किसी के लिए कोई भी ऑफर नहीं रहेगा। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 3540 और जो भी नए आते हैं उनके लिए 4100। आप क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चित्रा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत जिन्होंने भी क्लास को ले ज्वाइन किया है जी। और भगवान करे कि आप लोगों को सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हाँ सपना जी आगे, सपना जी का क्वेश्चन था कल रात को, सपना जी आप अपना ओकल का कर लो, ठीक है, आपका 9th हाउस का। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत Thank you all. Okay. जी। और मैं आप सबको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारी 2 दिन की फ्री क्लास भी आ रहा है लोगो डिजाइनिंग के ऊपर, तो अगर आप इन क्लासों में अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो भी कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, स्टार साइन पे कुछ ना कुछ सबके लिए जरूर है। तो हमारी ये जो 2 डेज की एक और ब्लेसिंग क्लासेस भी आ रही है लोगो डिजाइनिंग के ऊपर, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन साइंस है कि किस तरीके से अपने लोगों को डिजाइन कर आप अपनी कंपनी का या आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आप तरक्की पा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम रिवील करने वाले हैं। तो 2 डेज की ये फ्री कोर्स भी आ रहा है आपके लिए, जिसे अवनीश शर्मा जी जो कि एक ग्राफोलॉजिस्ट है और न्यूमोलॉजिस्ट है वो कंडक्ट करेंगे। ये भी 7:30 बजे से लगभग यही 9 बजे तक चलने वाली है, 1.5-2 घंटा क्लास रहती है ये भी, और 2 दिन की एब्सोल्युटली ब्लेसिंग क्लास है। सेम आईडी सेम पासवर्ड रहेगा, तारीख आप नोट कर लीजिए, सेव द डेट सेव द टाइम, ताकि अगर आपके पास लिंक किसी कारण से नहीं भी आता है तो आप ज्वाइन कर पाए। धन्यवाद आप सभी का, चित्रा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग क्लासेस में, तीनों ही अपने आप में बहुत बेहतरीन क्लासेस हमने चूज की है, एक ही टाइम पे स्टार्ट होने वाली, एक ही दिन से स्टार्ट होने वाली, अलग अलग टाइम पे और एक ही दिन पे समाप्त होने वाली, तो आप सब लोगों को बहुत इंजॉय आएगा। 4-5 दिन 6 दिन हमारे लिए निकाल लीजिए और आपकी लाइफ के चेंजेस देख लीजिए। धन्यवाद सभी का, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, राधे 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 राधे